भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी और पीएम नरेंद्र मोदी के रिश्ते किसी से छुपे नहीं हैं। दोनों भले ही एक ही पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों में बिल्कुल नहीं बनती। अक्सर स्वामी को मोदी की खुलकर आलोचना करते हुए भी देखा जाता है। ऐसे में स्वामी ने इस बात का खुलासा किया कि उन्होंने इस बार किसे वोट किया। इसको लेकर उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट भी किया। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने पोस्ट में लिखा, मैंने अभी अभी भाजपा उम्मीदवार और पूर्वी दिल्ली के पूर्व उप महापौर मल्होत्रा को अपना वोट दिया। मुझे उम्मीद है कि वो जीतेंगे। इससे पहले उन्होंने 23 मई को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था, इस शनिवार यानी कि 25 मई 2024 को मैं पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा को वोट दूंगा। वो दिल्ली के मेयर रह चुके हैं, जनता की सेवा का उनका रिकॉर्ड अच्छा है और वो लोकसभा सांसद बनने के योग्य हैं। मैं पूर्वी निजामुद्दीन में रहता हूँ। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी पीएम नरेंद्र मोदी के बड़े आलोचक माने जाते हैं। समय समय पर वो पीएम मोदी, उनके नेतृत्व वाली एनडीए सरकार और बीजेपी के काम करने के तरीके, उनके फैसले और नीतियों पर सवाल उठाते रहे हैं। यही वजह है कि उनका पीएम मोदी से 36 का आंकड़ा माना जाता है। बताया जा रहा है कि इस वजह से दोनों के बीच करीब 4 साल से कोई बात नहीं हुई। इसी साल फरवरी में रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के 370 और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के 400 से ज्यादा सीटें जीतने के पीएम मोदी के दावे पर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था, इस बार बीजेपी अपने पिछले चुनावी प्रदर्शन को पछाड़ देगी क्योंकि पहली बार हिंदू अपनी पहचान पर गर्व महसूस कर रहे हैं। उन्हें अब वो संकोच महसूस नहीं होता जो नेहरू के समय उन पर थोपा गया था। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।